नमस्कार, स्वागत है आपका जीवी न्यूज में। शिवनी मालवा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय शिवनी मालवा में विकास यात्रा को लेकर कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने प्रशिक्षण कार्य किया। प्रशिक्षण कार्य के दौरान सभी विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे एवं निर्देशों के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया किस प्रकार शासकीय योजनाओं का प्रचार प्रसार किया जाना है एवं किस प्रकार क्रियान्वित किया जाना है। स्कूली छात्र छात्राओं के जाति प्रमाण पत्र बनाए जाएंगे, वहीं 55,000 जाति प्रमाण पत्र बनाने का लक्ष्य है एवं दिव्यांग जनों को कृत्रिम उपकरण सामग्री वितरित की जाएगी एवं CM जन सेवा अभियान के अंतर्गत जो स्वीकृति आवेदन पत्र दिए गए थे हितग्राहियों को लाभ दिया जाना है एवं ऐसी विभिन्न योजनाओं को प्रचार प्रसार एवं कार्य किए जाएंगे। इन्हीं सब कार्यों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। सर, किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया गया? विकास यात्रा 5 तारीख से 25 तारीख तक पूरे जिले में चलेगी, तो उसमें हमें क्या क्या कार्य किए जाने हैं, कैसे शासकीय योजना का प्रचार प्रसार किया जाना है और क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, उसके बारे में प्राथमिकताएं क्या रहेगी? नर्मदापुरम जिले की बात करें तो प्राथमिकता हम लोगों ने 4 डिसाइड की है। पहला, जो स्कूली बच्चे हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बना है उनके जाति प्रमाण पत्र बना दिए जाए, ऐसे लगभग 55,000 जाति प्रमाण पत्र हम लोग इस दौरान बनाएंगे। दूसरा, कृत्रिम उपकरण के लिए चिन्हांकन का कार्य हम कर रहे हैं, तो जितने भी दिव्यांगजन हैं सारे दिव्यांगजनों को कोई ना कोई उपकरण देने के लिए हम लोग पूरे कैंप्स आयोजित करेंगे और उनको उपकरण दिलवाएंगे। तीसरा है CM भू अधिकार योजना ग्रामीण, उसके अंतर्गत जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनके सबके आवेदन करवा कर उनको लाभ देने का कार्य रखा गया है। और चौथा कार्य रखा गया है कि हम लोग जो है CM जन सेवा अभियान के दौरान जो स्वीकृति पत्र जारी हुए थे उन स्वीकृति पत्र में जिनका एक्चुअल हितलाभ वितरण रह गया उनका हितलाभ वितरण। आपकी ओर से कोई अपील जनता के लिए इस विकास यात्रा को लेकर? मेरी तरफ से अपील ये है कि इस यात्रा के माध्यम से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर जनसेवा अभियान के बाद भी कोई अगर शेष रह गया है जो किसी योजना में पात्रता रखता है और उसे अभी तक लाभ नहीं मिला है तो वो यहाँ भी अपने आवेदन कर सकता है, हम लोग उसको भी कंसिडर करेंगे। शिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। ऐसे ही और भी खास बातें जानने के लिए जुड़े रहें डीवी न्यूज़ पर।